इटावा कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी से एटीएम द्वारा रुपए निकालने वाले दो युवकों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 6 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए बरामद किए। आपको बता दें, पुलिस को एक युवती ने अवगत कराया था कि 1 जून को जब वो यूनियन बैंक के एटीएम से रुपए निकालने गई तो एटीएम कार्ड से रुपए नहीं निकल पा रहे थे। तभी बाहर से एटीएम के अंदर दो लोग आए और युवती को हो रही परेशानी के बारे में पूछने लगे, जिसके बाद एक युवक ने उस युवती से एटीएम कार्ड लेकर रुपए निकालने की कोशिश की और फिर उसका कार्ड वापस कर अपना एटीएम कार्ड लगाने लगा। युवती ने बताया कि उस युवक ने मेरे पिन से 2 बार रुपए निकाल लिए। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाई। बाद में मोबाइल मैसेज अलर्ट से पता चला कि 23,000 रुपए निकल गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। हमने बैलेंस यहाँ पे भेजा हुआ था, तो हमने फोन करके बताया हम पैसे निकाल लो, इलाज करवा देंगे। तो लड़की को भेजा हमने रुपए निकालने के लिए, तो लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी। तो दो लड़के बाहर खड़े हुए थे, उनसे जब इसने हेल्प मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हेल्प कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर हुआ है, पहले तो लड़कों ने लड़की का एटीएम लगाया, पिन दबाया, कोड दबाने के बाद फिर उन लोगों ने कहा कि ऐसा आपका प्रोसीजर नहीं हो रहा है, हम अपने पैसे निकालते हैं। उन्होंने अपने लड़की के पैसे अपने एटीएम को दिखा के निकाल लिए। पुलिस कैसे इन दोनों लोगों तक पहुंच पाई और पकड़ने में कामयाब हुई? देखिए, ये सूचना थी 1 तारीख को, इनके साथ एक घटना हुई थी, उसमें भैया लिखा गया था और तत्काल वो वहां के उस एटीएम में लगी, वो एटीएम का जो सीसीटीवी था वो चल रहा था, उससे फुटेज लिया गया। जो सिटी और इंस्पेक्टर पटवारी ने उनकी टीम ने परीक्षण किया और इसको फॉलोअप करते रहे, सहयोग से लोग मिल गए, जब उनकी तलाशी वगैरह ली गई तो उनके एटीएम भी मिले और उनके जब चेहरे का मिलान किया गया वो भी नहीं था, तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उसके आधार पर इनको कस्टडी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इन्होंने इनको याद भी नहीं है कि उन्होंने कितनी घटना की। अभी तक का जो उनका ब्यौरा है, उन्होंने 4 लाख के आसपास का इन्होंने कैश निकाला है और इसमें यह भी पता चला है कि लगभग इनके गैंग में और भी इस तरह के पैरेलल गैंग भी और चल रहे हैं। तो हम लोग इनको PCR मिलेंगे, तो उसके रिमांड को लेकर के इनके जो अन्य और नेटवर्क हैं, इनके अन्य साथी हैं या इसी के पैरेलल जो गैंग चल रहे हैं, उनको भी हम लोग पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, पकड़े गए युवकों ने अभी तक 20 से 25 घटनाओं से लोगों के लाखों रुपए पार किए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। इटावा से रामकुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।